इमरान ने जो अपोर किया था महाविकास आघाड़ी के साथ अलायंस के लिए, हाँ इन खानों, ए भाई भाई आपको चिटचाट बन रहे, बोलिए इन मैं आज आपके आपके सवाल का एक पार्शल जवाब दे देता हूँ। आने वाले विधानसभा के चुनाव में पूरा ही दीजिए, सुनिए मेरा राइट है ना, तुम तो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, तुम एक चैनल के लिए काम करते, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, अपना जॉब नहीं दू बदू। तो इस चुनाव में इम्तियाज जलील भी कैंडिडेट रहेंगे, इस चुनाव में इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील के साथ मुफ्ती इस्माइल रहेंगे, फारूक शाह रहेंगे और हमारे शोलापुर के फारूक साहब भी रहेंगे और हमारे मुंबई के सदर रईस लश्करिया रहेंगे। तो तुम्हारे को ये पांच नाम दे दिया मैं, ये तो कैंडिडेट रहेंगे हमारे, क्योंकि दो तो एमएलए हैं, एक मालेगांव से और एक हमारे धुलिया से, तो ये तो रहेंगे। अब और कितने कैंडिडेट रहेंगे नहीं रहेंगे अभी तो टाइम लगेगा, देखते हैं। जिस तरह से देश देखिए इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के मेरे अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये ऑफर दिया है, उन्होंने कहा है कि हमसे बातचीत करो और मेरे ख्याल से कोई बातचीत एक जगह पे अनऑफिशियली भी हुई, अब उनको तय करना है। अब सुन लीजिए अब क्रॉस क्वेश्चन मत करिए, हम तो बोल चुके, हमारा स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि उनको तय करना है। अब ये आपको मैं बोल दिया ना, मैं आपका जवाब पार्शली दे चुका हूँ, मैं आपको पार्शली जवाब दे चुका हूँ। हाँ कांग्रेस के साथ हुई मीटिंग या एनसीपी के साथ हुई या शिवसेना के साथ हुई इसके साथ इम्तियाज जलील सर की मीटिंग हुई जो अभी उनके साथ जाने की? नहीं नहीं, मीटिंग हुई नहीं हुई, किधर हुई, कहाँ पे हुई, तुम्हारे घर में हुई या मेरे घर में हुई, अब फिर वो सब क्यों बोलना? तुम्हारे को जो जितना हमको बोलना है उतना ही बोलेंगे ना। हाँ नहीं, तुम्हारे घर पर आते हैं, हाँ हो गया, चलो दूसरे बात करो, दूसरा सवाल करो, हो गया, बस जवाब दे दिया आपको और बोलिए। सर जिस तरह से पूरे मुल्क में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक तरह से मुसलमान खुद को असुरक्षित समझता है, तो क्या मोदी हुकूमत सबका साथ सबका विकास यही दिखाई दे रहा है? वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एक धोखा है, सब फ्रॉड है, वो कुछ नहीं है, सब आप देखिए बुलडोजर से घरों को तोड़ दे रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में हाजी रिजवान हाजी शहजाद घर को तोड़ दिए, वही एक सुबहान खान हरियाणा का खम्मम तेलंगाना में है, मेवाती मुसलमान है, लेबरर है, 70% हैंडीकैप है सुबहान खान, बुलडोजर चला के ये अपने जेवीसी को चलाकर 9 लोगों की जान बचा कर लाया। ये मोदी के बुलडोजर में और सुबहान खान के बुलडोजर में फर्क है, हम जान बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जानों को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट हाँ देखिए मीडिया में सुन तो लीजिए आप बोल दिए ना, मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ था कि जनाब अजीत पवार ने कहा कि हम महाराष्ट्र के विकास के लिए सपोर्ट किए, सेकुलरिज्म पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, हम उनको सवाल कर रहे हैं अगर आप नहीं किए तो फिर इस बिल की मुखालिफत करिए ना आप, हम जनाब अजीत पवार से बोलना चाह रहे हैं, आप इसकी मुखालिफत करो, इसका अपोज करो, और हम इन एकनाथ शिंदे को बोलना चाह रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज को आप इतना बोलते हैं इतना मानते हैं, तो रत्नागिरी की वो मस्जिद जो दरगाह जहां पर 652 एकड़ जमीन छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी, 250 साल का रिकॉर्ड है वफ छत्रपति शिवाजी ने किया, तुमको उसका भी ख्याल नहीं है? सर जम्मू कश्मीर में आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, चलिए हो गया।